एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज मैं आपके सामने बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा आना चाहते हैं, उनको कौन से वो बेस्ट कोर्सेज चूज़ करने चाहिए जिनके थ्रू वो इजीली पीआर भी ले सकते हैं एंड इन कोर्सेज के थ्रू उनकी सैलरी भी बहुत अच्छी होगी। सो उनका फ्यूचर जो कनाडा में होगा वो टोटली सिक्योर होगा, क्योंकि जब हमें अच्छे कोर्स के साथ अच्छी सैलरी भी मिलती है तो हमें कनाडा में रहना कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं लगता। तो चलिए जी, वीडियो को शुरू करते हैं। एंड हाँ, अगर इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे, बड़े ध्यान से देखेंगे, तो आपको हर चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एंड स्टिल अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर दूंगी। एंड आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि मैं किस और टॉपिक पर आपके सामने वीडियो लेकर आऊँ, तो डेफिनेटली वो वीडियो भी मैं ज़रूर लाऊँगी। तो चलिए जी, देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी, तो जो सबसे पहला कोर्स है वो है होम केयर गिवर और पर्सनल सपोर्ट वर्कर। जी, आपने सही सुना। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये किस तरह का कोर्स होता है। देखिए, कनाडा में ना बहुत ज़्यादा मात्रा में जो ओल्ड पीपल हैं वो हैं, और आपको पता ही होगा या आपने सुना होगा कि यहाँ पर जो बुज़ुर्ग होते हैं वो खुद से रहते हैं, या हॉस्पिटल्स में अगर उनको हेल्प चाहिए होती है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम उनके जो अपने होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो उनके साथ नहीं होते, है ना। तो इन ओल्ड पीपल को देखने के लिए सपोर्ट वर्कर्स चाहिए होते हैं। इन सपोर्ट वर्कर की जो सैलरी होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। वैसे तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिफरेंट होती है, बट फिर भी मिनिमम $30 पर आवर से इनकी जो सैलरी है वो शुरू हो जाती है। सो जो इंडिया से आ रहे हैं या किसी भी जगह से आ रहे हैं, अगर वो मेडिकल फील्ड से होंगे तो उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा, या फिर अगर वो सोशल वर्कर हो, क्योंकि देखिए बुज़ुर्गों की सेवा करना जॉब के साथ साथ ये एक बहुत ही अच्छा काम भी है, बट जिसमें पेशेंस हो उनको हैंडल करने के लिए, वो एक काइंडनेस शो कर सकें, तो ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। जॉब तो फिर भी एक साइड पे रही, बट अगर आप में वो सिंपथी नहीं है किसी के लिए, अगर काइंडनेस नहीं है, तो भी ये जॉब आपके लिए नहीं बनी है। बट हाँ, अगर आप में ये सभी वैल्यूज़ हैं तो आप इजीली इस जॉब को ले सकते हो और अपनी पीआर भी इसके थ्रू आप इजीली ले सकते हो। एंड जो सेकंड कोर्स है वो है नर्सिंग। जी, आप सही सुन रहे हो। देखिए, नर्सिंग की अकेले कनाडा में नहीं, आई थिंक मुझे जहाँ तक लगता है ऑल ओवर द वर्ल्ड सब जगह पे डिमांड होती है, है ना। सो कनाडा में ना नर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है। एक्चुअली यहाँ का जो मेडिकल सिस्टम है वो इतना मतलब इतना एडवांस तो है, बट इतनी जल्दी जल्दी आपको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाती। इसका मेन कारण ये है कि यहाँ पर नर्सेज डॉक्टर्स ही बहुत कम होते हैं। सो बीमार लोग ज़्यादा होते हैं, नर्सेज कम होती हैं। सो दैट्स वाई अगर हम इकोनॉमिक्स के पर्पज से समझें, तरीके से समझें, तो डिमांड ज़्यादा है एंड इसकी जो सप्लाई है वो बहुत कम है। सो नर्सिंग की यहाँ पर बहुत डिमांड है, इनकी सैलरी भी अच्छी होती है, आपको पीआर भी इजीली मिल जाती है। पीआर के साथ साथ आप जब इस कोर्स को लेते हो तो आपको डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जब ये जॉब मिलती है, तो मीन्स आप अगर प्रैक्टिकम वगैरह करते हैं तो आपको जॉब भी मिल जाती है। सो जॉब इजीली मिल जाती है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है, प्लस आपका जो डेडिकेशन है वो देखकर तो फिर आपकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से हो जाती है। सो दिस इज़ अ सेकेंड कोर्स विच इज़ हाईली इन डिमांड। एंड जो थर्ड है कोर्स वो है मास्टर्स इन मैनेजमेंट।
तो देखिए, ये कोर्स भी बहुत वैल्यूएबल है। इसमें भी अगर आप इस कोर्स को लेकर कनाडा आओगे तो आपकी 100% जॉब लग जाएगी। एंड इसमें देखिए, अगर आप 1 साल का कोर्स लेते हो तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिल जाता है। एंड वर्क परमिट 3 साल का हो तो आपको बहुत रश नहीं होता, आपको मेंटल टेंशन नहीं होती। स्लोली धीरे धीरे करके आप इसके साथ साथ अपनी और भी चीज़ें सीख सकते हैं, है ना। तो इसमें आपको लंबा टाइम मिल जाता है एंड आप इजीली पीआर भी ले सकते हो एंड आप इससे अच्छी जॉब भी ले सकते हो। सो जो फोर्थ कोर्स मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए। देखिए, जो मैंने पहले कोर्स बताया था नर्सिंग का और केयर गिवर का, वो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड होता है ना। एंड जो अभी मैं कोर्स बताने जा रही हूँ वो है कॉमर्स वालों के लिए। सो आपके दिमाग में सबसे पहला कोर्स क्या आया होगा, है ना। तो आपको पता ही है, अगर बैक होम भी आप होते हो, अगर आपके पास कॉमर्स है तो आप MBA करना चाहते हो। सो सेम यहाँ पर भी, अगर आप कैनेडा में आकर MBA का कोर्स लोगे तो इससे भी आपको सेम मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट की तरह वर्क परमिट लंबा मिल जाएगा एंड आप इजीली जॉब्स ले सकते हो एंड अच्छी अर्निंग कर सकते हो। एंड मार्केटिंग की तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैल्यू है, आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी कन्विंसिंग पावर अच्छी होनी चाहिए एंड ये सभी चीज़ें आप कोर्स में सीखते भी हो। एंड इस कोर्स का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है, मैं MBA के कोर्स की बात कर रही हूँ। देखिए, अगर आप अपनी मैरिड हो तो आप अपने स्पाउस को भी वर्क परमिट पर बुला सकते हो। तो इससे क्या होता है, देखिए जैसे आप स्टडी कर रहे हैं, है ना, सपोज हस्बैंड स्टडी कर रहा है एंड आप अपने स्पाउस को बुलाते हैं, या आपकी वाइफ जो स्टडी कर रही है, आप वर्क परमिट पर आ जाते हो। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग। तो आपका जो स्पाउस है उसको ओपन वर्क परमिट मिल जाता है और ओपन वर्क परमिट के चलते वो फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। तो एक इंसान फैमिली में स्टडी करेगा और दूसरा इंसान इनकम के थ्रू, इनकम करके फाइनेंशियली हेल्प कर सकता है। तो एक टीम वर्क हो जाता है एंड जब एक बंदा स्टडी कंप्लीट कर लेगा उसको फाइनेंशियल हेल्प हो जाएगी, तो आपको फाइनेंशियली कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अगर दूसरा पर्सन स्टडी करना चाहता है तो आफ्टर दैट वो भी शुरू कर सकता है। सो इससे आप को अकेलापन भी नहीं लगेगा कनाडा में, अगर आपका स्पाउस आपके साथ होगा तो आपको फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली हर तरह से हेल्प मिल जाती है। सो फिफ्थ जो कोर्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, वो है अर्ली चाइल्डहुड केयर। तो देखिए, इस कोर्स को वो ही लोग प्रेफर करें जो इंडिया में, वैसे तो देखिए कोई भी कर सकता है, बट द थिंग इज प्रेफरेंस की बात है। प्रेफरेंस उनको ही करनी चाहिए जो बैक होम टीचर होते हैं, या फिर जिन्होंने बच्चों के साथ काम किया होता है, या फिर टॉप मोस्ट जिनका टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, जिनका पेशेंस लेवल बहुत अच्छा है। बिकॉज कैनेडा में बच्चों के साथ काम करना इट्स नॉट ईजी, बिकॉज आपको पता ही है यहाँ पर हम बच्चों को गुस्से में नहीं बोल सकते हैं, हम बच्चों को इवन हाथ भी नहीं लगा सकते हैं, बच्चों के साथ नेगेटिव स्टेटमेंट्स भी नहीं को दे सकते हैं बच्चों को, एंड ना ही हम बच्चों को डरा धमका सकते हैं, मारना तो बहुत दूर की बात हो गया। इस तरह से बच्चों को हैंडल करना होता है कि वो आपकी बात भी सुने, क्योंकि यहाँ के बच्चे हैं ना जो बहुत बहुत तेज है, मीन्स अगर आप उनको टच भी कर दोगे ना तो वो जोर से चिल्ला के बोलेंगे कि इस टीचर ने मुझे टच किया या इस टीचर ने मुझे हार्डली हार्शली पकड़ा। तो अपने पेरेंट्स से बात करते हैं एंड वैसे भी रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने ज्यादा सख्त हैं बच्चों के मामले में कि इस फील्ड में अगर आप आना चाहते हो तो सोच समझ कर आइए। बट हाँ, घबराने की कोई बात नहीं है, अगर आप में पेशेंस है तो आप जरूर आइए। आपको इस कोर्स में आकर PR भी इजीली मिल जाएगी एंड इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो $25 पर आवर होती है। अब आप पूछोगे कि
हमें कौन सी प्रोविंस में जाना चाहिए। तो देखिए, जो अर्ली चाइल्डहुड के वाले ये कोर्स है, ये ऑल ओवर कनाडा इक्वली डिमांड में है, मींस बहुत हाई डिमांड पे है। बिकॉज़ यहाँ के जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को एक्चुअली वो जॉब कर रहे होते हैं, तो घर पे तो कोई रहता ही नहीं है, चाहे वो मदर हो चाहे वो फादर हो या उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी हो। तो हर कोई इतना बिजी होता है, बच्चों को हैंडल करना, बच्चों को पालना, इट्स नॉट इजी। तो वो अपने बच्चों को डे केयर में छोड़ देते हैं, मोंटेसरी स्कूल्स में छोड़ देते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर ECEs की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। जैसे इंडिया में क्रचेज होते हैं ना, तो इसी तरह से यहाँ पर डे केयर्स होते हैं, एंड यहाँ पर डे केयर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है। एंड जगह जगह पर डे केयर है, पर फिर भी बच्चों को सीट्स अवेलेबल नहीं होती, तो आप घर पर भी डे केयर ओपन इजीली कर सकते। सो लास्ट, जो मैंने अपनी काफी वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि देखिए, यहाँ पर स्किल्ड वर्कर्स की बहुत ज्यादा वैल्यू है। अगर किसी का स्टडीज में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, देखिए हर कोई इंसान तो नर्स, डॉक्टर, इंजीनियर या मैनेजमेंट वाले नहीं होते हैं। तो अगर आपका इन सभी में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप यहाँ पर स्किल्ड वर्कर्स वाले कोर्स भी ले सकते हैं, या आप इंडिया से स्किल्स सीख कर आइए, जैसे प्लम्बिंग हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया। क्योंकि इंडिया में तो एक बात मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ कि जिस इंसान के पास हाथ का हुनर होता है, वो इंसान कभी भी भूखा नहीं मरता। लेडीज के लिए क्या हो गया, पार्लर के कोर्स हो गए। मैंने अपनी एक और वीडियो में भी बताया था कि आप नेल्स आर्ट का कोर्स करके आ सकते हो, यहाँ पर इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। आपको हेयर कटिंग आनी चाहिए, ये लेडीज के लिए मैं बता रही हूँ। तो ये मैंने मेन मेन चीजें बताई हैं कि जिसके थ्रू आप इजिली कैनेडा में आकर PR ले सकते हैं, एंड आप एक अच्छी जॉब ले सकते हैं, एंड उसके बाद आप एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करके कनाडा में अपना जो जीवन है अच्छे से यापन कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स कनाडा में आने वाले हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि हम कौन सा कोर्स लें, या मेडिकल के बाद हम कौन कौन से कोर्सेज ले सकते हैं। तो मैंने ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आपको बता दी हैं। देखिए, जो अर्ली चाइल्डहुड वाला है वो कोई भी ले सकता है, नॉन मेडिकल, मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बस हाँ, आपको अपना पेशेंस लेवल देखना होगा सबसे पहले, क्योंकि कई लोग बच्चों के साथ काम नहीं कर सकते हैं, है ना। सो ईच एंड एवरी पर्सन इज डिफरेंट इन देयर ओन वेज। तो जो भी कोर्स आपको इनमें से अच्छा लगे, तो आप वो कोर्स लेकर कनाडा आ सकते हैं। सो आई होप आपने ये वीडियो एंड तक देखा होगा, एंड आपको अच्छा भी लगा होगा, एंड आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे होंगे। सो दैट इज ऑब्वियस। अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं डेफिनेटली उनके रिप्लाई करूंगी। एंड मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ, या किसी अदर ब्लॉग के साथ मिलती हूँ। टिल देन, बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।